हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल टॉक्स पे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो है MI बैंड जो 3 है उसके बारे में। ये वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं, उसके रिव्यूज़ देने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं उसके अंदर क्या फंक्शंस हैं, उसको लेना सही है या नहीं है। अगर वो पूरा आप अगर प्लान कर रहे हैं MI बैंड 3 या MI बैंड 4 के बारे में भी, क्यों, क्योंकि MI बैंड 4 का भी मैं कंपेयर करके बताऊंगा बैंड 3 और बैंड 4 के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा एंड तक देखें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है और नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग वीडियो। हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं MI बैंड 3 की। हमने ये ऑनलाइन मंगवाया है और ये बॉक्स है। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। ये है MI बैंड 3। इसके अंदर जो स्क्रीन है वो है न्यू OLED टच स्क्रीन। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, हार्ट रेट मॉनिटर मिलेगा। इसकी जो बैटरी है उसका बैकअप है 20 डेज का और वाटरप्रूफ भी है ये। तो बहुत इसके अंदर ये बेस्ट चीज़ है कि ये वाटरप्रूफ है और ये मेन इसके फीचर्स है कि 20 डेज तक इसकी बैटरी चलेगी, तो बहुत अच्छी चलेगी। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर ये देखिए इसकी जो प्राइस है ये है 2199 की, ये इसकी प्राइस है। और मैं बता देता हूँ आपको, इसके अंदर जो इनपुट करंट है वो 250 mA। इसके अलावा इसका इनपुट जो वोल्टेज है वो देखिए DC 5V। बैटरी कैपेसिटी जो है वो 110 mAh है, जो बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा इसकी जो बैटरी है वो है लाई आयन पॉलीमर, वाटर रेजिस्टेंस है और ब्लूटूथ है और 4.2 BLE यूज़ किया गया इसके अंदर। और ये सभी जो एंड्रॉयड मोबाइल है और भी iOS मोबाइल है उनके साथ कंपेटेबल है। अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये है MI बैंड 3 की स्ट्रिप है। ये देखिए सिलिकॉन की बनी हुई है, काफ़ी अच्छी ये क्वालिटी है। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ये देखिए बहुत फ्लेक्सिबल है, ये देखिए तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। इसके अलावा ये देखिए स्टील की स्ट्रिप दी हुई है ताकि इसको आप आराम से लगा सकते हैं, हॉल में लगा के। काफ़ी अच्छी इसके डिज़ाइन है। और ये देखिए MI बैंड 3 जो ये है टच स्क्रीन या डिस्प्ले है। इसके अलावा मैं आपको बॉक्स में और दिखाता हूँ क्या क्या है। ये देखिए, ये एक है यूजर मैनुअल, ये देखिए यूजर मैनुअल इसके अंदर दी हुई है। इसके अंदर जो भी सारे इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, तो सबसे बेस्ट चीज़ है सारे इंस्ट्रक्शन है वो सब इंग्लिश में है, अदर लैंग्वेजेस के अंदर नहीं है, तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। ये देखिए सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, तो ये तो आप पढ़ के देख सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, सबसे पहले मैं आपको इसको इंस्टॉल करना बता देता हूँ। यहाँ इसका चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे इसका चार्जिंग पॉइंट है। और ये देखिए नीचे हार्ट बीट ट्रैकर यहाँ पे इसके पीछे दिया हुआ है, तो जैसे ही आप इसको हार्ट बीट ट्रैकर ऑन करेंगे वैसे ये देखिए लाइट ऑन हो जाएगी और ये यहाँ से ट्रैक हो जाएगा आपका हार्ट बीट। ये इस तरह से इसको इंस्टॉल करते हैं, ये देखिए। अब मैं आपको इसका USB केबल भी दिखा देता हूँ जिससे चार्ज करना है इसको। ये देखिए इससे हमें क्या करना है, इस तरह से इसको निकाल के, मैं आपको निकाल के लगा के दिखा देता हूँ। इस तरह से निकाल के ये इंस्टॉल करना है और फिर ये देखिए इसके बाद जो भी हमारा पावर एडप्टर है उसके अंदर इसको लगा के हम इसको चार्ज कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है। तो मैं अभी वापस आपको एक बार बैंड में लगा के इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से आपने वापस इसको लगा दिया है, वो काफी फ्लेक्सिबल है, इस वजह से आसानी से फिट हो जाता है और इजीली निकल भी नहीं सकता, बहुत अच्छी फिटिंग है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए MI फिट ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके, ये MI फिट के नाम से आपको मिल जाएगा। ये देखिए होम स्क्रीन ये आ गई है इसकी,
मैं भाई इसमें रिफ्रेश हो रहा है। सबसे पहले आपको मैं आपको एक एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने ऑलरेडी इसको कनेक्ट कर रखा था MI बैंड को, तो ये आपका कितने स्टेप्स चल गए हैं वो बता दिया है। इसके अलावा देखिए 5000 इसमें डिफॉल्ट होता है, तो मैंने इसमें 10 स्टेप काउंट किए हैं तो ये आ गया। इसके अलावा ये आपका वॉकिंग हो गया, इसके अंदर आपका बता देंगे गो करके आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं, और ये मॉनिटर हार्ट रेट ड्यूरिंग वर्कआउट्स। तो आप जब वर्कआउट कर रहे हैं दोस्तों, तो आपकी हार्ट रेट क्या रहती है उसको चेक करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, और जैसे इसको परमिशन देंगे ये आपका हार्ट रेट चेक कर लेगा। ये देखिए, तो जैसे टाइमिंग भी आपका आ जाएगा और हार्ट रेट भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको पॉज कर सकते हैं प्रेस करके, और एंड सेशन कर दिया है। ये देखिए अब है रनिंग, तो यहाँ पे भी सेम ऑप्शन दिया गया है कि आप आउटसाइड रनिंग कर रहे हैं या इनसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से भी आप इसको गो करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा साइकिलिंग है, यहाँ से भी GPS के मदद से ट्रैक कर सकते हैं हम और इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रोफाइल दिख जाएगा आपको नीचे, ये प्रोफाइल दिख गया। यहाँ पे आपको डिवाइस दिख जाएगी, आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए MI बैंड 3 कनेक्टेड है, तो ये शो कर रहा है। इस तरह से अगर आप कोई और डिवाइस जो है उसको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो देखिए बैंड है, वॉच, स्केल, स्मार्ट शूज, तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें सारे ऑप्शन आपको मिले हैं। अब देखिए बैक आने के बाद में देखिए यहाँ पे अभी आपको शो कर रहा है MI बैंड 3 और 30% की बैटरी शो कर रहा है। अब देखिए अनलॉक स्क्रीन पे मैंने इसको ऑन कर रखा है, इनकमिंग कॉल का ऑन कर रखा है, इवेंट रिमाइंडर मैंने अभी तक लगा नहीं रखा है, अलार्म भी मैंने इसका, ये देखिए अलार्म भी मैंने इसका ऑफ कर रखा है। ऐप अलर्ट जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, इसमें आप इसको ऑन करके यहाँ पे बता देगा कौन कौन सी ऐप को आपने नोटिफिकेशन के लिए परमिशन दे रखी है। ये देखिए, और यहाँ से आप और किसी ऐप को अगर परमिशन देना चाहते हैं तो मैनेज ऐप, और यहाँ पे आपको ऐप का नाम सेलेक्ट करना है और परमिशन देनी है, तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, तो ये भी बहुत बेस्ट चीज है। अब ये देखिए आइडल अलर्ट यहाँ पे ऑन कर रखा है मैंने, यहाँ देखिए यहाँ पे मोर के बाद जाने के बाद में आपको DND वगैरह सारे मोड यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। ये देखिए इनकमिंग मैसेज, वाइब्रेट वाइल्ड अलार्म साउंड्स, ये आपको ऑप्शन है, तो ये सारे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए अब फाइंड बैंड का ऑप्शन भी दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे हम फाइंड बैंड करेंगे वैसे ये वाइब्रेट होने लगता है, तो ये 3 times ये वाइब्रेट होगा। डिस्कवरेबल ऑप्शन दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे अगर आप दोस्तों अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो ये केवल उन्हीं डिवाइस को शो होगा जो ऑलरेडी इससे कनेक्टेड है, बाकी को शो नहीं होगा। तो जैसे अदर डिवाइस में ऐसा होता है वैसे ही इतना टाइम तक यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये हार्ट रेट आपकी चेक कर सकते हैं आप, ये देखिए। अब देखिए मैं आपको और ऑप्शन इसमें दिखाता हूँ, एक्टिविटी हार्ट रेट शेयरिंग, अगर आप शेयर करना चाहते हैं दूसरी डिवाइस के साथ तो यहाँ ऑन कर सकते हैं। बैंड लोकेशन यहाँ ऑप्शन दिया गया है, तो ये देखिए लेफ्ट रिस्ट या राइट रिस्ट, या आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी रिस्ट पे आपने बांधी है, तो जनरली इसमें लेफ्ट पे बांधते हैं इसलिए लेफ्ट डिफॉल्ट है। अब देखिए इसके अलावा लिफ्ट रिस्ट टू व्यू इन्फो, अगर आप इसको जैसे ही, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही आप इसको रिस्ट को ऊपर करेंगे तो ऑलरेडी इसका ऑटोमेटिकली इसका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। इसके अलावा हार्ट रेट डिटेक्शन का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ये देखिए नाइट मोड का और स्लीप मोड का, ये आप सेट कर सकते हैं कि कब इसको नाइट मोड पे डालना है। और इसमें ये देखिए फाइंड फोन रिंगटोन, ये भी इसमें सेट कर सकते हैं, रन इन बैकग्राउंड ऑन कर सकते हैं, अगर इसको ऑन करेंगे रन इन बैकग्राउंड में तभी ये बैकग्राउंड में चेक कर पाएगा, तो ये आपको ऑन रखना है। बैंड स्क्रीन लॉक यहाँ पे भी ऑप्शन दे रखा है, डिस्प्ले सेटिंग्स का इसमें ऑप्शन दे रखा है, सारे इसमें वेदर वगैरह सब ऑप्शन दे रखा है, हार्ट रेट देखिए, वर्कआउट नोटिफिकेशन, तो इसको आप ऊपर अगर ड्रैग करेंगे इसको तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये देखिए आप चाहते हैं बैंड डिस्प्ले की नोटिफिकेशन, तो आप सेव कर दीजिए। अब देखिए वेदर सेटिंग्स,
किसी से पेयरिंग रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे ऑफ कर रखे हमने बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे अगर ऑन करना चाहे तो ऑन कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हो गए। अब देखिए यहाँ पे आप गोल सेट कर सकते हैं, ये देखिए एक्टिविटी गोल और वेट गोल। तो यहाँ से हम स्टेप सेट कर सकते हैं कितने पर डे हमको स्टेप चलने हैं, 3000, 4000, 5000, तो ये सेट कर सकते हैं। और सेकेंड है ये देखिए वेट गोल, तो यहाँ पे हमने बता रखा है 70 kg तो नॉर्मल वेट, तो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स के साथ में आप क्या कर सकते हैं, स्कैन QR कोड उसका स्कैन कर सकते हैं और अपना जो QR कोड है उसको शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ ये देखिए, तो ये शेयर विद फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं इजीली। तो इसमें बहुत अच्छा ये फीचर दिया गया है, ये देखिए। इसके अलावा ये देखिए, ये आपका पूरा बिहेवियर ये ट्रैक कर लेगा, साइकिलिंग कितनी की है, वॉक, स्टैंड, ड्राइव, हर चीज इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। ऐड अकाउंट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको गूगल, फीड, वीचैट इनका अकाउंट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए फीडबैक, स्मार्ट एनालिसिस, ये भी इसमें ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा ये देखिए सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ, सेटिंग्स के अंदर यूनिट्स आपको देखिए मीटर में है, किलोमीटर है, और ये आपका वेट ये भी बता रखा है। इसके अलावा अबाउट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये MI फिट का, ये देखिए ये MI फिट यहाँ पे दे रखा है, ऐप वर्जन कौन सा है ये दे रखा है आपको, एल्गोरिदम दे रखा है, ये देखिए सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट, तो ये सारी इसमें दी हुई है डिटेल्स, प्राइवेसी पॉलिसी, इसकी ऐप वर्जन ये सब आपको दिख गया है, 4.0 है, 1.1.14 एल्गोरिदम है इसकी। तो ये आपकी सारी ऐप की डिटेल हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले में डिटेल्स सारी एक एक। ये देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे टच करना है, ये देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टाइमिंग आ जाएगा, ये देखिए। इसके अलावा आपका डेट आ गई है आपकी और डे आ गया है, तो ये सारी डिटेल्स। और ये दोस्तों आपके फोन से ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा कनेक्ट करने के बाद में। ये देखिए यहाँ से आप स्लाइड करके और इसको सारे ऑप्शंस चेक कर सकते हैं इजीली। अब ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन, 5 नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहे तो 3 मैसेज है, 2 चैट्स है, ये देखिए। तो किस किस के मैसेज है वो आप देख सकते हैं, वो रीड कर सकते हैं, ये देखिए सारे नोटिफिकेशन इसके अंदर दिए हुए हैं। यहाँ से आप क्लियर भी करना चाहते हैं तो इसको होल्ड करके यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हैं, ये देखिए हो चुके हैं। स्टेप्स आपकी बता रही है कि कितनी स्टेप्स आपने आज चली है, हार्ट रेट आपको शो कर रहे हैं कि हार्ट रेट अगर आपको लेनी है तो यहाँ से आप ट्रेस करके ले सकते हैं। अब देखिए ये है टेम्परेचर आपका बता रहा है, तो ये आपका लेटेस्ट बता रहा है। इसके अलावा ये देखिए सारे 3 डेज के यहाँ पे टेम्परेचर बता रहा है। इसके अलावा ट्रेडमिल यहाँ पे ये देखिए, अगर आप ट्रेडमिल चलते यूज करते हैं तो यहाँ से एक्सरसाइज सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखिए यहाँ से आपको होल्ड करना है और इसको आपको फासन बांध के अपने कलाई पे और फिर इसको यूज करना है ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि आपने बांधा नहीं, तो इस तरह से आपको बांध के और यूज करना है, ये देखिए। और भी मैं ऑप्शन आपको इसको इसमें दिखा देता हूँ आपको ऑप्शन सारे। मैंने अभी इसको पॉज कर दिया है क्योंकि अब ये देखिए एक्टिविटी एंडेड, यहाँ पे मैसेज शो हो गया है ट्रेडमिल का। अलार्म इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है, स्मार्ट वॉच, मोर के अंदर भी ऑप्शन दिखा देता हूँ, साइलेंट आप यहाँ से कर सकते हैं, ये देखिए रिंग इज ऑफ आपका मैसेज आ गया है साइलेंट। फाइंड डिवाइस यहाँ से आप जैसे इसको प्रेस करेंगे, देखिए ये आपका जो फोन है ये देखिए इसमें साउंड आएगा और ये फाइंड आपका इजीली हो जाएगा। इसके अलावा देखिए स्क्रीन का ऑप्शन है, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो स्क्रीन का लेआउट आपको शो कर देगा अलग डिफरेंट टाइप का, तो आप जो भी लेआउट चाहिए आपको वो रख सकते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री रीसेट, अगर आपको पूरा इसका रीसेट करना है तो आप कर सकते हैं। ये अबाउट का ऑप्शन दे रखा है, इसमें देखिए इलेक्ट्रिक डिवाइस है, देखिए
तो दोस्तों MI बैंड 3 और MI बैंड 4 को कंपेयर करने के लिए मैंने एक चार्ट बनाया, उसके थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। MI बैंड 3 की अभी जो रेट है वो 1777 रुपये 1777 रुपीज़ अप्रोक्स चल रही है, और जो MI बैंड 4 है वो है 2299 का। तो आप देखिए सीधा सा मतलब 400-500 के आसपास का इनमें डिफरेंस है। बैटरी के अंदर इनके अंदर मेन डिफरेंस है 110 mAh है और यह है 135 mAh, तो इतना डिफरेंस है। और ब्लूटूथ के अंदर देखिए इसमें है V4.2 है और इसके अंदर 5.0 है MI 4, तो इसके अंदर ये बेटर है। और इसकी अब देखिए जो शेप है उसका बता देता हूँ मैं, कर्व्ड है MI 3 के अंदर और जो 4 है उसके अंदर रेक्टेंगुलर फ्लैट है, तो ये भी डिफरेंस है इसके अंदर। डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में OLED डिस्प्ले है, AMOLED डिस्प्ले है MI 4 के अंदर। और जो स्क्रीन साइज है उसमें देखिए 0.78 इंच है और इसके अंदर 0.95 इंच है, तो ये भी डिफरेंस है। इसके रेजोल्यूशन के अंदर डिफरेंस है 80x128 पिक्सल्स का है, 120x240 पिक्सल्स इसके अंदर MI बैंड 4 के अंदर। और पिक्सल जो है डेंसिटी है शार्पनेस वो 194 PPI है, इसमें 282 PPI है। तो दोस्तों ये कुछ डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिए। तो अगर आप MI बैंड 3 लेना चाह रहे हैं तो इससे बेटर है कि आप MI बैंड 4 ले लें, और ज़्यादा ये मतलब मेन डिफरेंस है। तो इतना आप 400-500 एक्सपेंस करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारा चैनल टेक्निकल टॉक्स आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें।